How to fix Signal app chats and media download problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है सिग्नल ऐप पर चैट एंड मीडिया डाउनलोड प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू आ जाते हैं, तो ये जो ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसके वजह से आते हैं। और दोस्तों मैं आपको कुछ सेटिंग जो है वो भी शो करके बताऊंगा, तो आप उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आपको देखना है, जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सेटिंग है उसको आपको देख लेना है और जान लेना है कि कैसे इसको फिक्स्ड आप कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें। यदि आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा, और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ऐप को अपडेट कर देना है। ठीक है, अगर ऐप अपडेट वगैरह नहीं किया है तो अपडेट करें। अपडेट करने के बाद हमें जाना है सेटिंग पर। उसके बाद दोस्तों हमारा जो सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क है उसको ओपन करके अपने सिम को ओपन करना है। उसके बाद जाइए प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप पर, नेटवर्क को स्विच कीजिए बिटवीन 4G 3G के बीच में। इससे क्या होगा, नेटवर्क कनेक्शन स्विच होगा, नेटवर्क भी रिफ्रेश होगा, साथ ही साथ दोस्तों आपका जो नेटवर्क कनेक्शन है वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेटा कनेक्शन को ऑन करें और एक बार दोबारा से डाउनलोड करने की कोशिश करें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप सिंपली अपने प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। बाय एनी चांस दोस्तों अगर आपका ये जो प्रॉब्लम है फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है, ये सॉल्यूशन करने के बाद, तो आप जाइए सिग्नल ऐप पर। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे उसको फिक्स करना है सेटिंग की मदद से। तो हमें उसके सेटिंग पर जाना है, प्रोफाइल सेटिंग पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दोस्तों मिलेगा चैट्स एंड मीडिया। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर ये जो सेटिंग आपको दिखाई दे रहा है मीडिया ऑटो डाउनलोड, तो उसको हमें सेट कर देना है इमेजेस ऑडियो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सेट करना होगा। तो अगर आपको वीडियो भी जो है ऑटोमेटिक डाउनलोड पे चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन यूजिंग वाईफाई, तो सब कुछ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आसानी से जो है वो डाउनलोड होते रहेगा। तो ये डाउनलोड सेटिंग आप यहाँ पर करें और उसके बाद दोस्तों एक बार चेक करके देखें, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा और डाउनलोड करने की कोशिश करें। फिर भी दोस्तों आपको इस तरह का प्रॉब्लम, इस तरह का इशू आते रहते हैं इस ऐप के अंदर पे, तो आपको दोस्तों ऐप का जो डेटा है एक बार क्लियर करके देखना है। ठीक है, डेटा क्लियर करने से दोस्तों आपका जो चैट है वो तो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगले टाइम के लिए अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर। तो उसके लिए आपको जाना है ऐप मैनेजमेंट, ऐप लिस्ट, एंड देन आपको यहाँ पर नीचे सर्च करके जाना है सिग्नल पर, और फोरस्टॉप करते हुए आपको यहाँ पर फोरस्टॉप कर देना है। उसके बाद स्टोरेज यूजर्स पर जाना है, क्लियर डेटा पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। ये करने के बाद इसका जो परमिशन से यहाँ पर अलाउ कर रहे हैं, परमिशन से अलाउ करने के बाद दोस्तों डिवाइस को रिस्टार्ट कीजिए। डिवाइस रिस्टार्ट वगैरह कर लेने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आप जो है चैट एंड मीडिया डाउनलोड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इतना सॉल्यूशन आप भी फॉलो कीजिए, और दोस्तों आपका जो इननेट कनेक्शन है आप उसको चेक करके ही पहले तो सॉल्यूशन कर लीजिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पर बस इतना ही। अगर आपको इसके रिलेटेड पर कोई भी प्रॉब्लम आ जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर या फिर ट्विटर पर भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।